उम्मीद आप ठीक होंगे। पहले एक वीडियो में दे चुका हूँ, जो पहले नंबर वन वीडियो आ गया, ये दूसरी वीडियो आज मुशायरा हो रहा है। कल बड़ा म्यूज़िक वगैरह था। हम खड़े हैं इस वक्त कराची आर्ट कौंसिल में, यहाँ पे 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई है, जिसमें बहुत से मुल्कों से लोग आए हुए हैं। आप वीडियो को ज़रूर देखें, अगर आप नहीं आ सके तो वीडियो देखें, आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ रहें और हमारी वीडियो को पहले जाकर तक देखें और दूसरों फ्रेंड से अपने शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। गरेबा चाक होना शर्त थी, सो खुल गया मुझ पर कि मैं क्यों खुश तेरे फूलों के और यानी से रहता हूँ। बहुत अच्छे नज़्म का अरमान है खुद को औरत तसव्वुर करना। जब ना चाहते हुए भी तुम्हें वो सब करना पड़े जिसमें तुम्हारा रूह तुम्हारी दिल शामिल ना हो, खुद को औरत तसव्वुर करना। जब ना चाहते हुए भी तुम्हें वो सब करना पड़े जिसमें तुम्हारा दिल तुम्हारी रूह शामिल ना हो, खुद को औरत तसव्वुर करना। जब तुम्हारे जिस्म का सौदा हो, जब तुम किसी की मिल्कियत समझे जाओ, जब तुम्हारी सांसों पे नसीहतों की घुटन हो, खुद को औरत तसव्वुर करना। जब जवान होते ही कैद हो जाओ और आसमान की वुसअत खिड़की जितनी रह जाए, खुद को औरत तसव्वुर करना। कभी आधी रात को अपने बच्चे के लिए अगर नींद से जागो, उसका बिस्तर बदलो, अपना चैन गंवाओ, खुद को औरत तसव्वुर करना। जब ये तय हो जाए तुम्हें कैसे रहना है, कैसे हंसना है, कैसे रोना है, कैसे जीना है, कैसे मरना है, खुद को औरत तसव्वुर करना। जब जिस्मानी फर्क की सजा, जब जिस्मानी फर्क की सजा इंसानी फर्क बन जाए, खुद को औरत तसव्वुर करना। और ऐसा तसव्वुर करके नाम निहाद गैरतमंद मर्दों, औरत ना होने पे शुक्र न करना, उसे अपनी तरह आजाद होने देना, आजाद होने देना। अब तुम्हारे बंधन के तैयार होने से ज्यादा खुशी तनख्वाह में इंक्रीमेंट लगने से होती है। अब तुम्हारे बंधन के तैयार होने से ज्यादा खुशी तनख्वाह में इंक्रीमेंट लगने से होती है। तुम्हारा हुस्न तुम्हारा जिस्म मेरी तारीफ ना करने वाली बेरुखी पे हैरान है। अब तुम्हें मेरे ऑफिस से लौटने का नहीं, टीवी ड्रामों का इंतजार रहता है। तुम मुझे मिस करने वाली मैसेजेस नहीं करती, घर का सौदा सर्व लाने के मैसेजेस करती हो। हम कितने बदल गए हैं, मिलने से बिछड़ गए हैं। शुक्रिया। कोशिश करूंगा आपकी समाअतों पे दस्तक दे सकूं। सुखन सराय में लश्कर नहीं मिला करते। हम ऐसे लोग मुकर्रर नहीं मिला करते। सुखन सराय में लश्कर नहीं मिला करते। हम ऐसे लोग मुकर्रर नहीं मिला करते। ये शेर कोई है कारे पयंबरी की तरह, ये शेर कोई है कारे पयंबरी की तरह, खरीदने से ये जौहर नहीं मिला करते। ये शेर कोई है कारे पयंबरी की तरह, खरीदने से ये जौहर नहीं मिला करते, खरीदने से ये जौहर नहीं मिला करते। महबूब जफर भाई, ये इश्क इम्तिहान लेता है, ध्यान में रखना। ये इश्क इम्तिहान लेता है, ध्यान में रखना, और इसके पर्चे में नंबर नहीं मिला करते। ये एक शख्स से दिल के मामलात बने, वो मुस्कुरा
दिल के मुआमलात बने, वो मुस्कुरा के जिस एक शख्स से दिल के मुआमलात बने, वो मुस्कुरा के अगर देख ले तो बाल बने। बहुत शुक्रिया इकबाल लतीफ साहब। वो मुस्कुरा के अगर देख ले तो बाल बने, लेकिन वो यहाँ नजर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिस एक शख्स से दिल के मुआमलात बने, वो मुस्कुरा के अगर देख ले तो बात बने, वो एक नाम है ऐसा तमाम नामों में। वाह वाह वाह। वो एक नाम है ऐसा तमाम नामों में, वो एक नाम पुकारूं जमालियात बने। जमालियात अच्छा इस्तेमाल है बाबा। बहुत शुक्रिया। वो एक नाम है ऐसा तमाम नामों में, वो एक नाम पुकारूं जमालियात बने, जब उसने आंख झुकाई तो थम गई दुनिया। जब उसने आंख झुकाई तो थम गई दुनिया, जब उसने आंख उठाई तो वाकयात बने। नाम ही कर कम है, एक ही बात बार बार न कह, कह दिया नाम नहीं करूंगा मैं, अब साथ रखूंगा तेरी यादों को, साथ रखूंगा तेरी यादों को, तुमको तन्हा नहीं करूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया करके, मगर वो कितनी सहूलत से देखती है मुझे, मैं देखता हूँ उसे एक नजर जतन करके, मगर वो कितनी सहूलत से देखती है मुझे, कभी कभी तो मुझे खौफ आने लगता है, कभी कभी तो मुझे खौफ आने लगता है, कभी कभी बड़ी शिद्दत से देखती है मुझे। शब से निकल के दिन के उजाले में आ गया। बहुत शुक्रिया महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका। गुमनाम शेर था मैं हवाले में आ गया, शब से निकल के दिन के उजाले में आ गया, टूटा हुआ तो था मैं पर बिखरा भी न था। क्या बात है, क्या बात है। टूटा हुआ तो था मैं, टूटा हुआ तो था मैं पर बिखरा भी न था, अच्छा हुआ कि तेरे संभाले में आ गया। नाम है आपका? मजहर हुसैन। आपका? शाइस्ता। आज के दिन में आपने क्या सीखा? आज के दिन में मैंने जो इवेंट जो मैंने अटेंड किया है वो उर्दू सहाफ़त के दो बर्स जो है वो अटेंड किया था, जिसमें काफ़ी नॉलेज मिली। मज़हर अब्बास साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगु की कि किस तरह से जो है दो सदियां बीती हैं, तमाम जो है इस तरह से उन्होंने गुफ्तगु की थी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे। और आपने क्या सीखा? मैं कह रहा अभी भी आया हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग बहुत हैं हमारे पाकिस्तान में। वैसे देखा जाए तो हर कोई अंग्रेज़ी बोल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आई है कि वाकई लोग उर्दू से मोहब्बत करते हैं। उर्दू कॉन्फ्रेंस में जितना रश है तो पता लग रहा है वाकई कराची वालों को उर्दू से प्यार है। उर्दू उर्दू है ऐसा ही। जी जी, हमारे चैनल के बारे में? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी टैग करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। चढ़ेगा नीम के ऊपर जो खसरत में करेला है, हुकूमत करने वाला एक ही झूठों का टुकड़ा। देखिए एक और बात सुनिए, वो बाम मुराद, बाम मुराद रहे थे, वो बाम मुराद रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से आई हैं? मैं गुलशन से आई हूँ, कराची से ही हूँ जी। अच्छा, कैसा लगा आज का प्रोग्राम आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत रंगारंग तकरीब है, पुर रौनक और बहुत अच्छे शोरा मौजूद हैं यहाँ, और अनवर मखसूस साहब को भी सुना, बहुत अच्छा लगा। क्या सीखा है आपने? ये सीखा है कि भाई इस तरह की तकरीबात होनी चाहिए, और जो किताबों की जो नुमाइश हुई है उसकी वजह से लोगों में किताब पढ़ने का शौक़ और शऊर बेदार होगा, जो नई नस्ल है उन सब में, क्योंकि आजकल लोग नेट को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं बतौर बुक्स वगैरह के,
हमारे चैनल के लिए क्या कहेंगे? आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसको हम देखते हैं पाबंदी से, और काफ़ी अच्छा लगता है कि इसमें लोगों की राय ली जाती है, मालूम की जाती है, बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान के किनारों पाकिस्तान जिंदाबाद। जो लग रहा है सब अच्छा लगता था, सब अच्छा लगता था उनको, जो लग रहा था बुरा, खिलाफ अपने आलम में इत्मीनान से नामुराद से पहले वो जिंदाबाद रहे, मुर्दाबाद से पहले सब अच्छा लगता था उनको, सब अच्छा लगता था उनको, सब अच्छा लगता था उनको। जो लग रहा है बुरा खिलाफ अपने अलम इत्मीनान से पहले, भाई जो मुकद्दर जो मुकद्दर में लिखी थी लगाई हो उसे क्या मालूम, जिसने कॉफी लगाई हो उसे क्या मालूम, उसे क्या मालूम चर्च पीने से मजा देता है शराबी तो। आत्मा राना है चेहरे कितनी अच्छी और मुस्कुराहट क्यों बस अच्छा लग रहा है इस वजह से। जी आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा माशाल्लाह से, लेकिन हम यहाँ के स्टूडेंट्स हैं तो हम तो उस हिसाब से बैठे, लेकिन यहाँ ऐसे फेस्टिवल होते रहते हैं तो, और जो होते हैं तो लाजमी सी बात है वो किसी अच्छी चीज़ से रिलेट करते हैं, तभी ऑडियंस आ रही है, पब्लिक पसंद कर रही है, और आर्ट्स काउंसिल माशाल्लाह हमेशा हरा भरा ही रहता है इस वजह से। हमारे चैनल के लिए क्या कहेंगे? आपके चैनल के लिए हम यही कहेंगे कि इंशाल्लाह अच्छी बात है, ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। एक दिन ऐसा होगा आप भी न्यूज़ चैनल पे होंगे और हम बोलेंगे आंटी ने हमारा इंटरव्यू लिया था। ओके थैंक यू। बहुत इनायत आप सबकी मोहब्बतों का कर्जदार हो गया। जो मुकद्दर में लिखी, जो मुकद्दर में लिखी थी सब मलामत खुल गई। रात थी, छुट्टी का दिन था और अदालत खुल गई। वो तवीलों से गुरेजा थे दलाली पे मुसर, वो तवीलों से गुरेजा थे दलाली पे मुसर, मुनसिफाने कौम की सारी जहालत खुल गई। वो दलाली पर वो तवीलों से गुरेजा थे दलाली पे मुसर, मुनसिफाने कौम की सारी जहालत खुल गई। और दोस्तों आखिरी चंद अशआर जी अता जी, ये तो बकाला निकाल लिया आपने। कनकदे ने यूं कहा सर बचाने का तरीका, सर फटे ने यूं कहा सर बचाने का तरीका, सर फटे ने यूं कहा आप जी देखे सुने से ओ अबे ओए तलक, आप जी देखे सुने से ओ अबे ओए तलक, आप जी देखे सुने से ओ अबे ओए तलक, गुफ्तगू करते हुए एक चटपटे ने यूं कहा। और दोस्तों एक बड़े थप्पड़ की गूंज सुनाई दी, बहुत दूर दूर तक सुनाई दी। थप्पड़ को आपके सामने पेश करता हूं कि दूर कर देता है, दूर कर देता है हर एक शराबी थप्पड़, दूर कर देता है हर एक शराबी थप्पड़, कामयाबी की जमाने में है चाबी, दूर कर देता है हर एक खराबी थप्पड़, कामयाबी की
में महजाबी भर पड़ देश में आके बहुत रंग तो उसने बदले। देश में आके बहुत रंग तो उसने बदले, फिर दिया एक चपतना गुलाबी थप्पड़। देश में आके बहुत रंग तो उसने बदले, फिर दिया एक चपतना गुलाबी थप्पड़। जब मुझको देते हैं मिसालें मेरी वीरानी की। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह है मजा। मेरी शक्ल से वाकिफ नहीं ताजा पोशाक, भाई वाह। मुझको देते हैं मिसालें मेरी वीरानी वीरानी की, वाह वाह भाई वाह। मैं तो बस चूम के वो हाथ पलट आता था। हाँ। मैं तो बस चूम के वो हाथ पलट आता था। एक दिन उसने मेरे जैसे सहराओं पे मजनू ने सुलेमानी की, मैंने दो चार बरस उनकी भी निगरानी की। क्या बात, क्या बात है भाई, बात है क्या शेरो जी आता। ये बेनियाजी तेरा है मेरा हवाला नहीं। वाह। ये बेनियाजी तेरा है मेरा हवाला नहीं। जमीन वाला हूँ मैं, आसमान वाला नहीं। वाह 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 भाई, वाह वाह। ये बेनियाजी तेरा है मेरा हवाला नहीं। जमीन वाला हूँ मैं, आसमान वाला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नाहिद एहसन। आपका? नाजिया सलीम। क्या करती हैं आप? मैं स्कूल टीचिंग करती हूँ, इसके अलावा महंगाई के खिलाफ एहतजाज ग्रुप भी चला रहे हैं माशाल्लाह, और पाक वेलफेयर भी चला रहे हैं जिसमें गरीबों की हेल्प और मदद करते हैं हम लोग। आज क्या आप सीखने आई हैं, क्या देखे, क्या सीखे आज? माशाल्लाह यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बहुत ही प्यारे प्यारे मेम्बरान्स भी आए हुए हैं यहाँ पर माशाल्लाह। लेकिन जिस तरह की उर्दू हमें सीखनी चाहिए, वो उर्दू जो है दफ्तरी में भी होना चाहिए, तो आप हमें नहीं मिल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जो कहना है, मैं जब यहाँ आई हूँ और उर्दू के आलमी इसका है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और उन सब की शेर व शायरी और बातें और सब जो इस पर तबसरा हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों ने यही सीखा, हमारी बहादरी ज़बान उर्दू है, तो दफ्तरी मामलात में भी उर्दू को उरूज का मुकाम मिलना चाहिए, और उसको आगे से आगे बढ़ाना चाहिए। आपके कहने का ये मतलब है कि घर के अंदर जो भी ज़बान बोलें, बाहर उर्दू ही ज़बान? जी, घर में हमारी जो भी कौमी जो भी जिसकी लसानी ज़बान है वो बोले, मगर बाहर एक ही जबान उर्दू होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू है। हमारे चैनल के लिए क्या? आपके चैनल के लिए यही कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह आप यहाँ पर आई हैं और अच्छे नॉलेज में इजाफा कर रही हैं, लोगों से पूछ रही हैं, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं माशाल्लाह, गुड। चैलेंज के साथ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।